दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दांत दर्द, दांत में लगने वाले कीड़े की समस्या और मसूड़ों की सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का घरेलू उपाय। दांतों में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। कभी दांतों में कीड़ा लग जाने की वजह से दर्द उठता है, तो कभी मसूड़ों में किसी तकलीफ की वजह से दर्द होने लगता है। कभी कभी दांतों की जड़ें काफ़ी ढीली हो जाती हैं, इस वजह से भी दांतों में असहनीय पीड़ा हो जाती है। ऐसी स्थिति में सही से ब्रश कर पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और सांसों से बदबू आना भी शुरू हो जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं दांत दर्द और दांत में लगने वाले कीड़े की समस्या को जड़ से खत्म करने का घरेलू उपाय। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है एक फिटकरी। यह आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए जितनी मात्रा में हमें फिटकरी चाहिए वो हम इसमें से तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमें इस नुस्खे को बनाने के लिए जितनी मात्रा में फिटकरी चाहिए हमने ये ले ली है। आपने भी इससे ज़्यादा फिटकरी नहीं लेनी है क्योंकि यह हमारे लिए काफ़ी है। अब मैं इस फिटकरी को बारीक पीस लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इस फिटकरी को बारीक पीस लिया है। फिर इसके बाद आपने लेना है एक गिलास नॉर्मल पानी, कुछ इस प्रकार से। और जो ये हमने फिटकरी पीसी है इसकी आधी चम्मच हमें इस पानी में डाल लेनी है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, फिटकरी हमारे मसूड़ों में होने वाले दर्द की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करती है। फिर इसके बाद आपने लेना है एक चौथाई चम्मच लौंग पाउडर, और यह भी हमें इस पानी में डाल लेना है। लौंग पाउडर हमारे दांतों में होने वाले दर्द और दांतों में होने वाले कीड़े की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करता है। अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आपका ये नुस्खा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब जानते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल करना कैसे है। दोस्तों, जब कभी भी आपको दांत दर्द की समस्या, जाड़ दर्द की समस्या या फिर दांत में होने वाले कीड़े की समस्या होती है तो आपने मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे को बना लेना है और आपने इस पानी को अपने मुंह में भरकर ऐसे ही छोड़ देना है लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए। आपने इसे केवल 15 से 20 सेकंड के लिए अपने मुंह में ही रखना है और 15 से 20 सेकंड रखने के बाद आपने इसे बाहर निकाल देना है। आपने इसे बिल्कुल भी पीना नहीं है। दोस्तों, ऐसा करने से जब भी आपके दांत दर्द वाली जगह पर लगेगा तो आपके दांत दर्द और दांत में होने वाले कीड़े की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इस नुस्खे को आपने लगातार 4 से 5 दिन तक जरूर करना है। आप 1 सप्ताह तक लगातार भी इसे कर सकते हैं कि यह बहुत ही फायदेमंद है दांत में कीड़ा लगने की समस्या, दांत दर्द की समस्या या फिर जाड़ में दर्द की समस्या को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।